अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। मेरी सबके लिए बहुत बहुत दुआएं। और जनाब इतना औसम मौसम हो गया, रात को शदीद आंधी और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली और हर तरफ जल थल कर दी और ठंड मचा दी। मौसम आप चेक करें, ये देखें बादल ही बादल। अभी भी मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ है और रात को इतनी बारिश आई है ना, ठंड मचा दी अल्लाह ने। इतनी गर्मी थी एक दो दिन पहले और अभी ऐसा ठंडा मौसम हो गया, तो देखते हैं ये मौसम ठंडा कब तक रहता है। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो अभी मैं आपको सारा मौसम दिखाती हूँ, बादल और मौसम दिखाती हूँ और फिर जाते हैं नीचे और अपना काम शुरू करते हैं और फिर जो भी रूटीन हो गया आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें जी मौसम चेक करें, कितना ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। हर तरफ काली काली घटाएँ, बादल छाए हुए हैं। ये देखें बादल ही बादल, बहुत मज़े का अच्छा मौसम हो गया। इतनी शदीद गर्मी में भी अल्लाह ठंड कर सकता है। और ये देखें कैसे अंगूर मेरा की बेल धुल चुकी है। और ये देखें माशाल्लाह ये भी पक चुके हैं, जो ग्रीन थे ना हमने छोड़े हुए, तो अब ये भी पक चुके हैं और कुछ हमने इनके लिए छोड़ दिए हैं। ये जो खा रहे हैं इनको, ये जो खा रहे हैं इनको, ये देखें यहाँ पे बुलबुल आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो आके इनको खाती हैं। परिंदों की आवाज़ें भी आप लोगों को आ रही होंगी, हर किस्म के परिंदे यहाँ पे आते हैं। तो जनाब सबसे पहले ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये बेचारे इस्त्री नहीं हुआ और इसके लिए माजरत। तो ये सिल्क का है, शर्ट है और इसके ऊपर मैंने लैस की लैस के साथ इसका गला बनाया। दो किस्म की लैस है, ये बड़ी बड़ी वाली लैस है, बड़ी टियाँ दो हैं और ये जो इसके साइड पे लगाई है ना ये छोटी वाली, और इसके नीचे जो है घेरा उस पर भी यही लगाई है। ये देखिए और बाजुओं पे भी ऐसी डबल करके लगा दी और बाजू जो है ना वो बारीक वाले। तो इसके साथ जो ट्राउज़र है वो भी अभी मैंने सीना है, एक मेरे पास है तो सही, लेकिन जो इसका असल है ना वो मैंने अभी सिलाई करना है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी मेरी शर्ट स्लीव आपके साथ शेयर कर। तो जनाब नेक्स्ट शर्ट है ये, और जो कुछ मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना उनको पता होगा क्योंकि ये मैंने उनके सामने ही कटिंग की थी और उनके सामने ही सिलाई की। तो इसका गला है कुछ सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये देखें ये इसके जो है ना फ्रंट पे जो इसका घेरा है उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, यहाँ पे थोड़े यहाँ पे पर्ल्स लगा दिए हैं वाइट कलर के, और नीचे गोटा है और वाइट कलर की है साथ लैस। और इसके साथ जो शलवार है जो ट्राउज़र है वो है वाइट कलर का, और इसी तरह इसके बाजुओं के ऊपर मैंने लैस लगाई है। ये देखिए और जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के, मेरे घर में आराम से सस्ते में कुछ सिलाई कर। और जनाब ये है लॉन्ग वाला फ्रॉक है, ये देखें और इसका भी सिंपल हांडी गला है, और इसके बाजू मैंने बनाए हैं कट वाले, ये देखें कट वाले बाजू, और इसके ऊपर इस तरह वाली लैस लगाई हुई है, और नीचे सारी यहाँ पे चुंटे दी हुई हैं, और इसकी ये जो ऊपर वाली है बॉडी इसको क्या कहते हैं, ये ऊपर वाली अलहदा से है और जो नीचे वाला है वो अलहदा से, और ये लॉन्ग है, नीचे भी इसके लैस ही लगाई है। उसका इसके साथ ट्राउज़र भी ऐसे ही है ब्लू, उस पर छोटे छोटे फूल हैं, वो बिल्कुल सिंपल है। एक ये हो गया जी, और नेक्स्ट हम आपसे शेयर करते हैं ये भी सारे लॉन के हैं, ये भी लॉन के हैं, ये मैंने इसके गला बनाया है सिंपल सा, इसके ऊपर मैंने पिंक कलर की लगाई है लैस, और जो इसके बाजू थे ना वो लॉन्ग चाहिए थे तो लॉन्ग करने के लिए मैंने लगाई है सीढ़ी लैस, थ्री क्वार्टर नहीं चाहिए थे तो मैंने सीढ़ी लैस लगाई है, और
यहाँ पे लगाई है मैंने वही बारीक और लेस। तो ये बहुत प्यारा और सस्ते में इतना प्यारा बन गया सूट। और इसका जो ट्राउज़र है वो भी सिंपल है, बाकी तो सिंपल है, बस उसके ऊपर मैंने ये किया है कि यहाँ पे मैंने लगाई है सीढ़ी लेस, ये देखें यहाँ पे मैंने सीढ़ी लेस लगाई है। और यहाँ पे जो शर्ट वाला कपड़ा है वो लगा दिया और नीचे मैंने बूट पाइपिंग करके तो इसकी फिनिशिंग कर दी। तो इतना खूबसूरत सा ये ट्राउज़र बन गया इसके साथ का, ये हो गया। और इसके साथ ना ब्लू भी दुपट्टा है, पिंक भी है और येलो भी है, जो मर्जी इसके साथ का। और जी ना ये जो मेरा इस दफ़ा बहुत दिल था लाइट ग्रीन कलर का, तो मैं ये एक शर्ट लाई थी सिंपल, तो सिंपल शर्ट लाई थी। इसके ऊपर देखें जी मैंने इसके फ्रंट पे घेरे पे इसकी मैंने पहले ये लेस लगाई, ये वाली लेस लगाई, उसके बाद मैंने ये वाले ट्राइंगल, तो ये इसके ऊपर मैंने ये ट्राइंगल बना के कपड़े से लगाए। फिर ना यहाँ पे मैंने लगा दिया वाइट कॉटन जो इसके साथ का है ना ट्राउज़र, उसका ये लेके इसके ऊपर मैंने ये गोटा लगा के तो ये डिज़ाइनिंग कर दी। टिश्यू भी मिलता है ग्रीन कलर का भी और वाइट कलर का, लेकिन उसका मसला ये है कि जैसे ज़रा सी इस्त्री गर्म होती है ना तो वो जल जाता है और पूरी शर्ट बर्बाद हो जाती है, तो इसलिए मैंने कॉटन ही लगा दी। तो ये देखें इसका गला भी सिंपल है, बस गोल गला है और छोटा सा वी कट है। और ये जो लैस है ना जो बॉर्डर पे लगाई है उसी के मैंने ये कटिंग करके ना साइडों से इनको जला दिया और ये इस तरह बना के इसके ऊपर लगा दिया। और बाजू मैं आपको चेक कराऊं तो बाजू जो थे ना ये थोड़े बन रहे थे तंग, तंग मुझे चाहिए नहीं थी क्योंकि मैं नमाज पढ़नी होती है तो बाजू मुझे तंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इनको ना खुला करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लैस लगा दी, ये जॉइंट लेस लगाई ना तो इससे अच्छी खासी मतलब आधा आधा इंच तो ज़्यादा आधे इंच से ये ज़्यादा है ये लगा दी। और फिर ये मेरी काफ़ी अच्छी और यहाँ पे मैंने लगा दी लेस, तो ये मेरा इतना प्यारा सा डिसेंट सा और ज़बरदस्त सा ये मेरा एक रेडी हो चुका है सूट। इसके साथ वाइट ट्राउज़र है सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है इसके साथ बिल्कुल सिंपल। और ग्रीन का मुझे बहुत इस दफ़ा शौक लगा हुआ था तो एक और ये मैं शर्ट लाई थी, तो इसके साथ ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा दोनों के साथ ही चल जाएगा। दुपट्टा बड़ा प्यारा है, इसको वाइट था और मैंने इसको खुद कलर करवाया डाई करवाया, तो ये दोनों के साथ ही चल जाएगा। इसके साथ रेड भी चल सकता है, ये बिल्कुल सिंपल है सूट, बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर सिर्फ मैंने ये यहाँ पर लेस लगाई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और जो बाजू हैं उनको उन पे मैंने सीधी लेस लगाई है और ये वही लेस लगाई है। और ये मेरे इतने सिंपल और एलिगेंट सूट तैयार हुए हैं। और आप लोग बताना आप लोगों को मेरे सूट कैसे लगे, ये गर्मियों के भी हैं, ईद का भी मेरा सूट जो है वो सिल रहा है, वो मैं पहले आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको जब ईद पे पहन के दिखाऊँगी आप लोगों को। आज कितनी वीडियो, जल्द दीजिए, अल्लाह हाफिज़।